मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटे मसाले वाले वाफल शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना? तो चलिए आप बनाते हैं। इसके लिए 1 कप होल व्हीट आटा, टोमेटो एंड अनियन, 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून अनियन, 1/2 टेबल स्पून टोमेटो, 1 टेबल स्पून ग्रीन धनिया, 2 ग्रीन चिल्ली बारीक बारीक कटी हुई, छोटी बहुत बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और ये गाजर बारीक बारीक कटा हुआ। आप कोई भी वेजीज डाल सकते हो अपनी पसंद की। टोमेटो एंड अनियन, हरी मिर्च, ग्रीन चिली, काली मिर्च, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप चख लीजिएगा, 1/2 टेबल स्पून भरा हुआ फुल दही का, ठीक है? ये तकरीबन 3/4 टीस्पून, पौना चम्मच पेपरिका, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 1 टेबल स्पून। अब इन सबको मिक्स करेंगे, पहले पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसमें हल्का सा नीम गर्म पानी लेना, ठंडा पानी नहीं यूज़ करना। इसके अंदर सॉल्ट को चख लेना, ठीक है? और अगर आपको मिर्ची या ग्रीन मिर्ची या लाल मिर्ची और भी डालनी है, पेपरिका, तो आप वो भी डाल सकते हो अपनी टेस्ट के हिसाब से। ये देखें, 1 कप आटे में तकरीबन 1 पूरा गिलास पानी का गया है और 1/4 गया, यानी 1/4 कप पानी का गया है, ठीक है? और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। तो अब 5-6 मिनट के लिए इसको साइड पे रखेंगे। तकरीबन 6 मिनट मैंने रखा था इसको। अभी इसमें अंदर फ्रूट, इनू फ्रूट सॉल्ट मिलाएंगे। अगर आपके पास इनू फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी मिला सकते हो, ठीक है? ये तकरीबन 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा, बल्कि 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम, ठीक है? मिक्स करेंगे। मशीन को स्टार्ट कर लिया है, ठीक है? 1-2 मिनट के बाद गर्म हो जाए मशीन, तो फिर इसके अंदर डालेंगे। अभी ये मशीन गर्म हो गई है, इसके अंदर हल्का सा ऑयलिंग करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे बुरच के साथ ताकि वो चिपक नहीं जाए, ठीक है? थोड़ा क्रंची भी हो जाए। आप अपने हिसाब से मोटा करना है या थोड़ा पतला करना है, ठीक है ना, उस हिसाब से। इसको बंद कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद चेक करेंगे कि कैसा हुआ है, सही? अभी तकरीबन इसको 8 मिनट हुए, अभी चेक करते हैं कि कैसे हुए। आप देख लीजिएगा आपको कितनी क्रंची चाहिए, ठीक है? आपको और भी ज़्यादा क्रंची, ये देखें बेहतरीन बन गए। आपको और भी ज़्यादा क्रंची चाहिए तो आप और भी इसको रख सकते हो, ठीक है ना? और अगर आपको थोड़े सॉफ्ट चाहिए उस हिसाब से आप, ठीक है? आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन बनती है और हेल्दी भी है, डीप फ्राई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। फिर बाकी भी ऐसे बनाते जाएंगे। ये देखिए हमारे बेहतरीन यम्मी मसाला वाफल तैयार है। ये स्पेशली अगर आप सफ़र में बना के खाएं, डिनर में और ब्रेकफास्ट में, तो दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। और अगर आपको इसके अंदर अगर अंडा मिक्स करना है, एक मिक्स करना है, तो भी आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि बहुत ही हेल्दी हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये हेल्दी जल्दी बनने वाली क्विक रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।